हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं काजोल। सलमान खान दुबई से छुट्टियां मनाकर घर वापस आ गए हैं। शनिवार की सुबह उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। अभिनेता के साथ उनके भरोसेमंद अंग रक्षक शेरा और कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एयरपोर्ट पर सलमान खान डैशिंग लुक में नजर आए। ग्रे शर्ट और काले रंग के डेनिम में वो अपने फैंस का ध्यान खींच रहे थे। हाल ही में मुंबई पुलिस ने सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस भी दिया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बयान में कहा कि अभिनेता सलमान खान को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस का आवेदन किया था। उन्हें गन लाइसेंस जारी किया गया है। सलमान खान की सुरक्षा इन दिनों काफी चाक चौबंद हो गई है। उनकी गाड़ी को भी अपग्रेड किया गया। अब भाई जान बुलेट प्रूफ सफेद रंग की कार में चलते हैं। सलमान खान का एक दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो दुबई के मॉल में घूमते नजर आए। सलमान को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें जान का खतरा है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर वो पूरे सुरक्षा घेरे में नजर आए। वर्क फ्रंट की बात करें, सलमान खान ने हाल ही में अपनी फिल्म टाइगर 3 और भाईजान की शूटिंग करते नजर आए। टाइगर 3 में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ नजर आएंगी। तेलुगु फिल्म गॉडफादर में एक्टर का कैमियो रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म पठान में भी सलमान मेहमान की भूमिका में नजर आएंगे। भाईजान फिल्म में सलमान खान न सिर्फ अभिनय करेंगे बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी वो इस फिल्म की कमान संभाल रहे हैं। टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फैंस इस शो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। 15 सालों से ये शो दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। अब जल्द ही इसका 16वां सीजन नजर आने वाला है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस के सीजन 16 को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। लेटेस्ट अपडेट में इसके प्रीमियम की तारीख की चर्चाएं हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले काफी समय से ऐसी खबरें चल रही थी कि शो सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच प्रीमियम हो सकता है। अब टेली चक्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये शो 1 अक्टूबर 2022 को कलर्स टीवी पर प्रीमियर होगा। हालांकि मेगर्स की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इसके प्रीमियर की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। एक्टर सलमान खान रियलिटी शो बिग बॉस का सालों से होस्ट कर रहे हैं। इस सीजन में भी सलमान का दबंगई अवतार देखने को मिलेगा। मीडिया की खबरों की माने तो सलमान खान ने शो के प्रोमो के लिए शूटिंग भी कर ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही शो का प्रोमो भी रिलीज होने वाला है। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट की बात करें तो लंबे लिस्ट सामने अभी नहीं आई है, लेकिन खबर है कि शो में दिव्यांका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी, शाइनी दोषी, सनाया रानी समेत कई सितारे दिखाई दे सकते हैं। शाहरुख खान की फिल्मी पर्दे पर वापसी को लेकर फैंस खासे उत्साहित हैं। एक के बाद एक एसआरके की कई फिल्में रिलीज होंगी, जिसका उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसी बीच शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पंजाबी गाने नाजा पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने पर किंग खान अपना हुक स्टाप भी करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि वीडियो शाहरुख खान के फैन पेज से शेयर किया गया है, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शाहरुख का यह वीडियो फिल्म डंकी की शूटिंग के दौरान का है, जहां फ्री टाइम में सेट पर मौजूदा हर कोई मस्ती करता दिखाई दे रहा है और शाहरुख के डांस का लुत्फ उठा रहा है। शाहरुख के फैंस उनके इस वायरल वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। किंग खान का पंजाबी गाने पर डांस भी काफी जबरदस्त है। बता दें कि शाहरुख खान आखिरी बार आनंदन रॉय की फिल्म जीरो में नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म में अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ भी थी। लंबे गैप के बाद अब शाहरुख खान की दमदार वापसी होने जा रही है। हाल ही में शाहरुख खान आर्माधवन की हालिया रिलीज फिल्म रॉकेट द नंबी इनफैक्ट में छोटे से रोल में नजर आए थे। किंग खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो पठान में दमदार रोल देखने को मिल सकता है। फिल्म से उनका लुक सामने आ चुका है। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी पठान में नजर आएंगे। शाहरुख निर्देशक इटली की फिल्म जवान और राजकुमार रानी की डंकी में भी लीड रोल प्ले करते दिखाई देंगे। मोस्ट अवेटेड फिल्म लाइगर इन दिनों चर्चाओं में है। इस फिल्म के रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टार ऑफ फिल्म लाइगर से जुड़े ट्रेलर को तो लोग पहले ही बहुत सारा प्यार दे चुके हैं। साथ ही फैंस को इसके लेटेस्ट रोमांटिक गाने आफत का इंतजार था, जो 6 अगस्त 2022 को खत्म हो गया है। आफत गाने को रिलीज किया जा चुका है, जिस पर फैंस काफी प्यार लुटा रहे हैं। जब से फिल्म लाइगर के गाने आफत का ट्रेलर आउट हुआ है, तब से फैंस इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहरहाल ये गाना अब रिलीज हो चुका है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, जिसमें विजय देवरकोंडा और अन्य पांडे के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। दोनों का ये रोमांटिक गाना काफी पसंद किया जा रहा है। महज कुछ ही मिनटों में इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। यूट्यूब पर रिलीज होते ही इस गाने पर फैंस खूब प्यार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अनन्या और विजय की केमिस्ट्री ने आग लगा दी है। गाने में उनके डांस मूव्स को भी नोटिस किया गया। कई यूजर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि फिल्म लाइगर ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। तो ऐसे ही चटपटी मजेदार खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।